अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं फिर एंड्रॉयड उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई और बहन मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमें बताएं कि हम लोग फर्स्ट पे से लोन किस तरह से ले सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ इस पर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिटेल के साथ इस पर एक वीडियो बना दी जाए कि फ़र्स्ट पे पर लोन लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया फ़र्स्ट पे लोन लेने का, ठीक है। तो मैंने सोचा इस पर आप लोगों को डिटेल के साथ वीडियो बना दी जाए, आप लोग इस पर इससे कैसे लोन ले सकते हैं और इसका मार्कअप कितना होता है, लोन ये आप लोगों को कितना देते हैं। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने करना क्या है जी, वीडियो को एंड तक देख लेना और अगर आप लोग चैनल फॉर एंड्रॉयड उर्दू पढ़ने हैं तो जल्दी से यार नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना है ताकि जब भी हम लोग वीडियो न्यू अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फर्स्ट पे लोन आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना फर्स्ट पे पर अकाउंट बना लेना, जैसे कि मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, सिंपल सा अकाउंट बनाने का इसका तरीका है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जैज़ कैश या इजी पैसा का अकाउंट बनाते हैं तो वैसे हम लोग फर्स्ट पे का जो अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अब इसके जो क्राइटेरिया और इसके एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम लोग इससे कैसे लोन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीज़न आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग एक फर्स्ट पे का अकाउंट बनाते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी ये है एक क्लियरली कि जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है कि भाई 90 डेज़ का रिलेशनशिप, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस तरह से एरर आ रहा है कि भाई आप लोग 90 डे का रिलेशनशिप बनाए मत और फिर आप लोग जो है ना फर्स्ट पे के लोन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मतलब सिंपल आप लोगों का अकाउंट जो फर्स्ट पे का है उसको बने हुए तकरीबन 3 महीने होने चाहिए तब आप लोग इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को फर्स्ट पे की एप्लीकेशन में जाके यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ और डिटेल के साथ के बाकी आप लोगों के साथ किस तरह के मसले मसाइल जो पेश आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर मैं इसको ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं जी, हम लोग आ चुके हैं जी फर्स्ट पे की एप्लीकेशन में और यहाँ पर सिंपल सा इनका क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जी थर्ड पे नैनो लोन का, ठीक है। यहाँ नैनो लोन के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जी हमसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर हमें शो करवाता है तो इसके यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन शो करता है, 4 ऑप्शन में से सबसे पहला जी अप्लाई लोन का, ठीक है, जहाँ से हम लोग अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड में जी माय लोन का, वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कौन सा लोन लिया है और मतलब जो प्रीवियस लोन की हिस्ट्री है वो उसकी मतलब आप लोगों को डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। मैनुअल सेटलमेंट क्या होता है जी, इसमें आप लोग जो अपना आप लोगों का मतलब जो लोन आप लोग यहां से लेते हैं फर्स्ट पे से उसका रीपेमेंट का सिस्टम है, ठीक है। सेटल लोन में क्या होता है जी, सेटल लोन में जो आप लोग लोन लेके सक्सेसफुल आप लोगों ने इनको रीपे कर दिया होता है उसका मतलब होता है, ठीक है। तो अभी हम यहां पर सिंपल आप लोगों ने करना क्या जी अप्लाई लोन पर। अब एक चीज और आप लोगों ने याद रखनी, अप्लाई लोन पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के यहां पर एरर शो होंगे जिनमें से मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ कुछ बता दूं। सबसे पहला आप लोगों के पास एक एरर आएगा जी, योर लोन प्रोडक्ट इज नॉट लिस्टेड योर सिटी, ठीक है। योर लोन प्रोडक्ट इज नॉट लिस्टेड योर सिटी, मतलब कि आप लोगों की सिटी लोन प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये समटाइम एरर आता है तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का एरर फेस आए तो आप लोगों ने 2 से 3 मरतबा ट्राई करना है तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का हो जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों को एक ये भी एरर फेस आएगा कि आप लोग इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 2 से 3 मरतबा आप लोगों ने इसमें ट्राई करना है तो आप लोगों का ये भी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन याद आप लोगों ने ये रखना है कि 90 डेज़ का रिलेशनशिप आप लोगों का लाजमी होना चाहिए, मतलब आप लोगों का फर्स्ट पे का अकाउंट कम से कम 3 महीने बना होना लाजमी है, ठीक है। बनाने के बाद जी अब सिंपल यहाँ पर इनका क्या क्राइटेरिया जी माई लोन के ऑप्शन पे, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टेक अ फोटो, आप लोगों ने अपनी एक सेल्फी ले लेनी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बरवक्त या इजी लोन या पीके लोन वाली एप्लीकेशन में अपनी पिक्चर देते थे, सेल्फी देते थे, उसी तरह आप लोगों ने इसमें देनी है। लेकिन मज़ेदार वाली बात यह है कि इसमें आप लोगों से ये लोन के लिए किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं मांगते, ठीक है। किसी किस्म का आप लोगों का कोई गारंटर के नंबर नहीं यहाँ पर ये करते, किसी किस्म की कोई की परमिशन नहीं लेते, मतलब कि बिल्कुल सिक्योर है और ये HBL बैंक के साथ कनेक्टेड है फर्स्ट पे, ठीक है। तो मतलब कि सिक्योर है, किसी किस्म के आप लोग, जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर आप लोग फर्स्ट पे ये बरवक्त से या पे के लोन वालों से आप लोग लोन लेते हैं तो आप लोगों की मेंटली तौर पे आप लोग डिस्टर्ब रहते हैं, वो लोग आप लोगों को इतना तंग करते हैं कि आप लोग मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई लोन इनका जल्दी से वापस करें और जान छुड़ाएं।
इनके ऐसा कोई सीन नहीं है, सारा पढ़ा लिखा स्टाफ है। एक महीने के बाद आप लोगों को जस्ट कॉल करेंगे और जस्ट आप लोगों को इतना कहेंगे भाई लोन वापस कर दें आप लोगों की मेहरबानी होगी, बस सिंपल। ठीक है, जैसे कि बरवक्त वाले आप लोगों से बदतमीजी करते थे आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इनका और जो मार्कअप रेट है बहुत ही कम है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मार्कअप की डिटेल आ रही है जी। नैनो लोन यहाँ पर जी मंथली होगा, ठीक है। 90 डेज रिलेशनशिप विथ फर्स्ट पे रिक्वायर्ड, मतलब कि आप लोगों के 3 महीने अकाउंट कम से कम बना होना चाहिए। 10 ईयर इनका होगा मंथली बेस पे और मार्कअप रेट है 6% मंथली, ठीक है। मतलब आप लोगों की टोटल अमाउंट का 6% ये मंथली परसेंटेज होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 3,000 रुपये का लोन लेते हैं तो ये 180 रुपये मार्कअप होगा इसका मंथली। अगर उसके अलावा जैसे आप लोगों को पता है बरवक्त में आप लोग अगर लेते थे तो 15 दिन का आप लोगों को 2-3 हज़ार रुपया देना पड़ता था, ठीक है। फर्स्ट सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने उसके बाद जी करना क्या जी, लोन पर्पस, किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं आप लोग। तो सिंपल जो भी आप लोग का पर्पस है वो आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद जी यहाँ पर नीचे आप लोग अभी चेक कर सकते हैं मेरी लोन अमाउंट है जी 500 से लेके 6,000 तक, ठीक है। अभी मैं यहाँ से 500 से लेके 6,000 फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ जी 4,000 रुपये, ठीक है। मैं 4,000 लेकर यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मेरा लोन फोरी उसी टाइम इंस्टेंटली अप्रूव्ड हो जाएगा और मेरे जो ये फर्स्ट पे का अकाउंट है इसमें क्रेडिट ऐड कर दिया जाएगा। अभी मैं लेना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं इस चीज़ से बड़ा चलता हूँ लोन वाली कर्ज़ों से। तो आप लोग अगर लेना चाहें तो ये इसका सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें जो रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आप लोग इस तरीके से लोन ले सकते हैं। बस ये आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का 90 डेज़ का रिलेशनशिप लाजमी से होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है एप्लीकेशन है। आप लोग बरवक्त पीके लोन इन सबको भूल जाएँ, ये सिर्फ फ्रॉड है और आप लोगों को लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग इस एप्लीकेशन पर लाजमी जाएँ क्योंकि ये HBL की एप्लीकेशन है और इसमें इनका कोई इतना मार्कअप नहीं है और ये आप लोगों को मतलब कि एक अच्छे लोन देते हैं लो मार्कअप पे। तो आई होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक तो यार ज़रूर कर देना है। बाकी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम में मज़ीद हम लोग आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।